अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोल्ड लाइफस्टाइल से। आज हम कहाँ आए हैं जी? आज हम जी दिल कर रहा था कि हांडी बनाई जाए। अच्छा, आज हम हांडी बनाएंगे। कोरमा स्टाइल में चिकन हांडी है। चिकन, सॉरी, चिकन हांडी है, कोरमा स्टाइल में हांडी। सही है। पानी दिया जा रहा है घास को, और इतना अच्छा मौसम हो रहा है। जितनी ठंड पाकिस्तान में होती है ना, धूप में लगती है, आज वैसा मौसम है। आज आपको ना सजाद बताएंगे कि हमने कढ़ाई कैसे बनानी है। आज आपने सारी बनानी है? आज चलो मैं बना लेता हूँ। अच्छा, मसाले बताना, प्लेट उठा लेना दूर से। कोई नहीं, लेना मैं बताता हूँ। अभी चीज़ें काफ़ी हैं ना इसमें। अच्छा, तो इसमें ये दो लाल मिर्च होगी, तीन कर लो, चार कर लो, और तीन चार हरी इलायची। अच्छा, ये है सारे साबुत मसाले। इसमें दो लाल मिर्च हैं, जो बटन चिली जिसको कहते हैं, और साथ ही एक टुकड़ा दालचीनी का कर लेना, और चार इसमें जो है हरी इलायची है, और जायफल है, लौंग है, जावित्री है। ये जावित्री जो है ये तो बहुत थोड़ी सी डलेगी, और एक बड़ी इलायची है। ये इधर जो है ना, ये ज़ीरा है, और ये सूखा धनिया है। ज़ीरा थोड़ा सा पीसा हुआ भी घर से उठा लिया था, तो ये हो गया। अभी उसको सजाना थोड़ा सा, इसको हमने वो थोड़ा सा भूनना है ताकि खुशबू अच्छी सी आए मसाले की। भूनने के बाद फिर इसको पीस लेंगे। ये जायफल जो था ना, ये कर दिया है थोड़ा सा, ठीक है। अभी इसको पीसते हैं ना, और इसको थोड़ा सा वो करते हैं। ये ले लेना, इसको भी हम लोगों ने रोस्ट कर लेना, इससे खुशबू बड़ी अच्छी आएगी ना। और इसकी नमी ख़त्म हो गई, तो जब पीसेंगे तो ये पाउडर शेप में आ जाएगा, ठीक है जी। बहुत अच्छा मौसम है, सही धूप है, सनी वेदर है, बहुत अच्छा। हल्की आंच पे भून लेना है ना, ताकि मसाले जो हैं वो जल ना जाए। खुशबू आनी शुरू हुई है, और बस ऑलमोस्ट डन है। तो जितना था वो हमने कर लिया, बस अब इसको हम चूल्हा कर देंगे बंद कर, बंद। और इसमें हमने बाद में काजू और बादाम वगैरह भी डालने हैं, तो अगर आप कहते हैं तो अभी इसको थोड़ा सा गर्म कर देते साथ ही, ताकि ये भी नमी अगर थोड़ी बहुत है तो वो भी निकल जाए। काजू और बादाम, अब इसको हम, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है वाकई। क्योंकि सज्जाद तो ये डब्बों के मसाले बिल्कुल नहीं लाने देते घर पे, वो कह रहे हैं जो घर के हैं स्पेशल मसाला तैयार हो रहा है। सज्जाद प्रोग्राम तो वड़ गया। कैसे? देसी घी और दही तो लाई नहीं। चलो मैं लाती हूँ अभी जाके, अभी मैं चलती हूँ जाके, फ्रेश को सिर्फ दही घी और हरा धनिया चाहिए, वो लाती हूँ। बस 2 मिनट का रास्ता ही था पार्क से, बस इधर आई हूँ, उठा के फिर चलते हैं जल्दी से। सजाद को मैंने मसाले पे लगा दिए, ऐसे ही मिलजुल के ज़ाहिर काम होता है, वो कर काम करें मैं भी काम करें, दोनों मिल के ही लगे हैं ना। अच्छी बात है, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। धनिया तो बड़ा अच्छा आया है फ्रेश सा, ये भी ले लेती हूँ। इतनी मुश्किल से चीज़ें लेकर आए, ऊपर से कह रहे हो कि देर लगी है। चलो जी स्टार्ट करें। देसी घी, तो घी में मज़ा ही हो रहा है, और बात ये कि नेचुरल एटमॉस्फेयर में, ठीक है जी। ठीक है, आधा कप जितना होगा घी। हाँ, तीन चार टेबलस्पून ना। या अच्छा, इसमें आपकी मर्जी है, खड़े मसाले कोई भी डाल दें आप, ठीक है। मैं इसमें डाल रहा हूँ 3-4 इलायची होगी, तेज पत्ता हो गया, इलायची हो गई है, दालचीनी का टुकड़ा, और ये बड़ी इलायची होगी, और 2-3-4 लौंग होंगे। वैसे लौंग हमने इस मसाले में भी डालना है, ठीक है, इसको थोड़ा कड़कड़ा लेंगे। साथ साथ रील भी बना रही हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर देखा करो, बड़ी अच्छी रील बनाऊँगी। 2-2 कैमरे हैं मेरे हाथ में। तकरीबन 1.5 से 2 किलो,
इसको कलर चेंज होने तक पकाएंगे हम थोड़ा सा, फिर इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे, ठीक है। 2 टेबलस्पून डाल देंगे, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन। पानी उसने छोड़ दिया था ना, अभी पानी ड्राई हो जाएगा तो ये अच्छा हो जाएगा। अच्छा, हमने थोड़ा हिलाना है वरना ये बोटियाँ टूटेंगी, तो इसलिए मेरा ख्याल है बस काफ़ी है। अब इसको पकने देते, फिर थोड़े मसाला डाल के, दही डाल के, तो उसको हम ढक देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे इसमें। तकरीबन 2 टीस्पून हल्दी, बहुत थोड़ी सी, और नमक कर देंगे तकरीबन हस्पे जायका नमक चला देंगे। बस ये करने के बाद इसमें हम दही डाल देंगे थोड़े से, फिर उसको के लिए हम रख देंगे, क्योंकि दही जो है ना वो छोड़ेगी पानी, उसी पानी में थोड़ा सा 5-7 मिनट पकाएंगे। आज तो मेरी जान छूट गई है खाने से, हैं सजा, आज तो सारा खाना आपने ही बनाना है। आप एंजॉय करो। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए और बना रहे हैं, बच्चे कोई स्कूल गया हुआ है, कोई यूनिवर्सिटी गया हुआ है, किसी की छुट्टी है, और हम आए हैं क्रेडिट व्यू पार्क, पास ही है ना घर के। मैंने कहा चलो अच्छा है, करीब ही चले जाते हैं, फिर बच्चों की छुट्टी है, स्कूल से लेना है तो फिर टाइम लगेगा दूर से यहाँ तक आने में। इसको डाल देंगे इसमें, लेकिन फेंट के डालनी है अच्छे तरीके से, बगैर फेंटे हुए, फिर आपको पता है कि ये दही जो है वो दाने से बना। ये वो मसाला जो आपने पीसा है, ठीक है, ये कितना डलेगा? कम ही डलेगा, बस जो था वही मैंने क्वांटिटी वो सारी दी, क्योंकि इसमें पिस्ता बादाम भी कूटा हुआ है ना। हाँ। नहीं पिस्ता नहीं, बादाम और काजू, ये क्रश चिली है, मोटा मोटा कूट लिया, मोटा मोटा कूट लिया इसको ना, ये भी इसमें हम शामिल कर देंगे। अब इसको ढक्कन रख देंगे और इसको थोड़ा पकने देंगे। पौना कप से लेके 1 कप तक इसको हाथ से मसल देंगे मोटा मोटा। ये ब्राउन अनियन है, या घर पे ले ले, हमने रेडी ले लिया है ना, घर पे भी आप इसको बना फ्राई करके तो इस तरह इसका चूरा बना लो, इससे बड़ा अच्छा मसाला सा बन जाएगा इसका। बस ठीक है, अब इसमें वो डाल दें, बहुत अच्छी इसकी बुनाई हो चुकी है। अच्छा, इसमें आपकी मर्जी है, तरी जो है ना जिस हिसाब से आपने करना है वो कर लें। प्याज और करी जितनी आपने करनी है, हरा धनिया भी डाल देंगे, पानी जितना डालना है आपने वो डाल लें, थोड़ा सा पानी कच्चापन हट जाए उसके बाद हम धनिया और कर देंगे, ठीक है। तकरीबन 1/2 कप बहुत रहेगा मेरा ख्याल है, तो ये अच्छा सा इसका मसाला बन जाएगा। धनिया और अदरक कटा हुआ, अब ये इसको ऊपर डाल देंगे, थोड़ा ये पानी जरा पक्सा जाए ना उसमें, तो कच्चापन हट जाए तो फिर सही, ठीक है, ठीक है। वैसे आपके सारे खाने बड़े मज़े के होते हैं यार, बटर चिकन बनाना दिखा बताना, मैं कहती हूँ कि मैं नहीं बना पा रही इतनी, किसी कोई ख़ानदान में नहीं ऐसा बना पा रहा। अच्छा। उसकी रेसिपी भी जरूर दुआ है ना कि आप अच्छा खाना बनाएंगे। नहीं वाकई ये बात 100% चिकन भी इंशाल्लाह जल्दी कर देंगे, वो भी आउटसाइड जाके बनाते हैं ना।
मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं। और बटर चिकन इस दफा डिफरेंट स्टाइल में होगा। अच्छा। पहले टिक्के बना के उसका फिर बटर चिकन बनाएंगे। वो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है कोयलों में पकने के बाद, है ना, बहुत अच्छा बनता है। अभी धनिया और इस पे अदरक, यकीन करो इतना अच्छा लग रहा है ना, ये बहुत जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त। चलिए अभी खाते हैं। नान गरम कर दिए? नान गरम कर दिए मैंने, तो चलें अब खाते हैं। देखते हैं इसको और खा लेते हैं। इसका ढकना उठाएं जी। ये हो गया अभी हमारा तैयार। आप ट्राई करो। मजे की बहुत बहुत। चलिए मैं भी ट्राई करती हूँ। नान हमने गरम कर लिए थे, हमारे पास वो जो फ्राई पैन आई है ना, ये उसमें हमने गरम किया। बहुत अच्छी। पाकिस्तान की छत और धूप के साथ बहुत अच्छा लगा है। माशाल्लाह माशाल्लाह गर्म की। और अभी हम घर से नाश्ता करके आए थे कि मैंने कहा सजादत रोटी नहीं लेके जाते, मैंने खाना नहीं खाना, तो ये देख लो माशाल्लाह से। यही के मज़ेदार बहुत है ये, यकीन करो इतना मज़े का जो देसी घी का टेस्ट, और क्या ये कितना सिंपल है कि कोई इसमें इतना टाइम नहीं लगा और कितना अच्छा बन गया। मटन में बनाओगे और भी अच्छा बनेगा, लेकिन क्या है हमारे पास इतना टाइम नहीं होता होगा ना कि हम इधर बैठ के इतनी देर मटन गलाते रहते। और अभी बच्चों को भी स्कूल से लेना है। चार स्कूलों में हम तो ये चाहते हैं कि वीकेंड हो तो चलो इकट्ठे रहे, एक बच्चों के साथ जो है ना गेट टुगेदर हो जाए, लेकिन चलें कोई बात नहीं। हमने मेरी वजह से सारा ख़राब हो जाए क्योंकि मेरी छुट्टी नहीं होती वीकेंड पे अक्सर, तो चलें कोई बात नहीं। असल में जो है ना वैल्यूज़ यही होती हैं कि आप फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हैं के साथ, खुश रहें आप भी। और बहुत बहुत शुक्रिया सबका जो इतनी वीडियो आप सब पसंद करते हैं और सब इतना प्यार करते हैं। इधर सब्सक्राइबर बहुत मिलते हैं और सब बड़े प्यार करते हैं और सब बड़े खुश होते हैं कि हमें आपकी वजह से कई जगहों का पता लगता है। आगे अच्छी अच्छी जगह नायगरा का भी है क्रिसमस से पहले, क्योंकि वहाँ पे लाइट्स वगैरह सजाई गई हैं, तो वहाँ पे काफ़ी हम व्लॉग शेयर करेंगे जाके। दूसरा ब्लू माउंटेन बहुत अच्छा है। अभी देख रहे हैं कुछ होटल वगैरह अगर बुकिंग हो गई, क्योंकि मिलती नहीं है ना क्रिसमस टाइम पे, तो इंशाल्लाह अच्छे अच्छे। और उसके बाद फिर जनवरी में जो व्लॉग आएंगे ना, उस वो तो सरप्राइज़ है, वो तो फिर वाह वाह हो जाएगी यार, ऐसे कि आप लोग खुश हो जाएंगे। हो सकता है एवरी डे फिर व्लॉग आए इंशाल्लाह। तो चलिए अभी इजाज़त दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, कोई बात हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करो। कोशिश होती है कि जितना टाइम मिले तो देख लेती हूँ सबके मैसेज, रिप्लाई भी कर लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।